अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम जो है ईरान के शहर निजावा से आज हमने अपना जो है सफ़र स्टार्ट किया है जैदान की तरफ जाते हैं जाने के लिए। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में 8-10 किलोमीटर के बाद लांडी आती थी, इसी तरह ईरान में भी ऐसा ही है। और ये लांडी जो है पुराने दौर में जो है आबाद थी, इसका नाम जो है आबाश है, इसका लांडी आबाश। ये पानी की टंकी इनकी, थोड़े से मामूली से घर थे जो बने हुए थे, कच्ची आबादी है। इस तरह की और भी लांडियाँ जो है यहाँ पर भी मौजूद हैं जो 10 किलोमीटर बाद या 20 किलोमीटर बाद के फासले पे जो है वो आती हैं। एक ये लांडी थी जो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। अभी आइंदा आने वाले दिनों में हो सकता है कि बिल्कुल ये जो थोड़ा बहुत मलबा पड़ा हुआ है ये भी ख़त्म हो जाए। बहरहाल मैंने सोचा आपके लिए एक जो है वीडियो बना लूँ, एक जगह जो है वो आप लोगों को दिखा दूँ, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। ये लांडी जो है मीरजावा से चलते साथ ही जो पहली लांडी जो है ये लांडी आबाश आती है। इसके बाद और भी काफ़ी लांडियाँ हैं, इंशाल्लाह ताला जो है वो भी आपको जो है मैं दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा उनकी वीडियो बनाने की। ये देखें ये जो पिलर आपको नज़र आ रहे हैं ये इनकी जो है सिक्योरिटी फोर्सेज के हैं। ये बिल्कुल करीब ही हैं। ये हमारे साथ जो है जैदान तक इसी तरह ये चलते रहेंगे। बहरहाल आपसे मिलते हैं हम जो है एक नई जगह पे, नई लांडी में। इस टाइम जो है हम ईरान में मौजूद हैं, तो आप जो है ये वीडियो देखिए और इंतज़ार कीजिए मेरी एक नई आने वाली वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।